नमस्ते, मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी रश। मौजूदा दौर में आपके ऊपर, हम सब के ऊपर अपने और अपने देश को बचाने की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें सिर्फ कुछ हफ्तों तक अपने अपने घरों में रहना है, खासकर शुरुआती 21 दिनों तक, जब तक ये देश पूरी तरह से लॉकडाउन है, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी महामारी का बचाव ही एकमात्र इलाज है। इस कठिन समय में आपके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि आप तक सही जानकारी सही समय पर पहुंचती रहे और आप अफवाहों से दूर रहें। अब बात करते हैं एक और वायरस की, जिसकी खबर काफ़ी तेज़ी से लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर आ रही है। इस वायरस का नाम है हंता वायरस। इसी के बाद कई सवाल लोगों के मन में उभर रहे हैं कि क्या हंता वायरस से चीन में मौत हुई है, क्या हंता वायरस कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्या भारत को इससे डरने की ज़रूरत है। जी हाँ, चीन में इस वायरस की वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई है। दरअसल चीन का एक सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी साझा की है कि यूनान प्रांत में एक शख्स की हंता वायरस के कारण मौत हुई है। ये शख्स काम के सिलसिले में बस से सफ़र कर शेंडोंग प्रांत जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद बस में सवार 32 लोगों के टेस्ट किए गए। अब सवाल आता है कि क्या हंता वायरस भी कोरोना वायरस की तरह खतरनाक है और इंडिया के लोगों को इससे डरने की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइंटिफिक जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ये वायरस कोरोना वायरस की तरह इंसान से इंसान में नहीं फैलता। आखिर क्या है हंता वायरस और इसके लक्षण? CDC की रिपोर्ट के मुताबिक हंता वायरस मुख्य रूपों से चूहों, गिलहरी आदि कतरने वाले जानवरों द्वारा फैलने वाले वायरस में से एक है, जो दुनिया भर के लोगों में विभिन्न तरह के रोग सिंड्रोम पैदा करते हैं। इसके लक्षण भी करीब करीब कोरोना वायरस की तरह ही हैं: सर दर्द, जी मचलना, कमजोरी, खांसी, सर्दी और तेज बुखार। खबरों के इस दौर में जब अफवाह भी अपने चरम पर है, तब जरूरी है कि आप खबरों से भी सावधान रहे। तो फिर एक नज़र इन पड़ताल पर भी। सोशल मीडिया पर एक युवा कपल की तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। दोनों मेडिकल मास्क कानों में लटकाए किसकी मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये कपल इटली में डॉक्टर हैं। ये भी दावा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज करते हुए दोनों संक्रमित हो गए हैं और किस करने के आधे घंटे बाद मर गए। लेकिन सच्चाई कुछ और है। जब हमारे साथ साथ कई लीडिंग मीडिया संस्थानों ने इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की, तो पता चला कि सोशल मीडिया में किया जा रहा ये दावा सरासर झूठ है। दरअसल ये तस्वीर स्पेन के बार्सिलोना एयरपोर्ट की है। इस तस्वीर को एसोसिएटेड प्रेस के लिए अमिलियो मोरेनाती ने क्लिक की थी। मुंबई पुलिस ने तय किया जरूरी सामान खरीदने का वक्त। सच्चाई तो ये है कि सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट के साथ ये दावा किया जा रहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के आदेशानुसार आम नागरिकों के लिए ज़रूरी सामान खरीदने के लिए एक तय वक्त फिक्स कर दिया गया है। इसके पड़ताल में हमें पता चला है कि इस तरह की खबर झूठी और सिर्फ अफवाह है। खुद मुंबई पुलिस के ट्विटर हैंडल से इस बात की पुष्टि भी हुई है। पुलिस कमिश्नर ने लिखा है कि ये लिस्ट उनके डायरेक्शन से नहीं बनाई गई, उन्होंने इसे अफवाह बताया और लोगों से इमरजेंसी सर्विस के मैसेज को वेरीफाई करके ही आगे भेजने की अपील की। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि नॉनवेज खाने से कोरोना वायरस फैला है। एक दावा पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर किया जा रहा है। दावे के मुताबिक सचिन ने कहा है कि कोरोना वायरस एक महामारी है जो मांसाहार खाने से हुई है, तो स्कूल, कॉलेज, मॉल ही बंद क्यों? तमाम मीट मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए। जब हम इस खबर की तह तक गए तो पता चला कि सचिन तेंदुलकर के नाम से फैलाई गई ये खबर भी अफवाह है और पूरी तरह से गलत है। सचिन तेंदुलकर ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। इस खबर ने तो रूस के राष्ट्रपति को भी अपने लपेटे में ले लिया है। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस से बचाने के लिए क्या शेरों का सहारा लिया है। सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है जिसमें एक शेर सड़क पर नजर आ रहा है। इसके साथ दावा ये भी किया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने लोगों को घरों के अंदर रखने के लिए 500 से ज्यादा शेरों को छोड़ दिया है। आपको बता दें कि ये खबर भी अफवाह है और सिर्फ झूठ है। शेर की जिस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है वो दक्षिण अफ्रीका के जॉन्सबर्ग में साल 2016 में खींची गई थी। इसका रूस या फिर कोरोना वायरस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है।
इस मुश्किल दौर में हमारी आपसे एक गुजारिश है कि अपने घरों में रहकर भारतीय सरकार का इस महामारी से लड़ने में सहयोग करें और अफवाहों से बचकर ही रहें। देखते रहिए हिंदी राशि।